राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण की समस्या। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटने से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। जब तक उपयोग का पारितंत्रीय सिद्धांतों से तालमेल बना रहता है तब तक कोई हानि नहीं होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न मानव परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं करता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता चला जाता है। इससे स्त्री पुरुषों सभी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। प्रदूषण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं। प्रदूषण की पहचान के लिए प्रायः तीन कसौटियों का उपयोग किया जाता है। ये हैं, पहला, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा मानवीय अपशिष्टों का निपटान, दूसरा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फेंके गए अपशिष्टों से उत्पन्न हानि, और तीसरा, परिस्थितियां जहां हानि का दुष्प्रभाव तीसरे पक्ष को सहना पड़ता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण के प्रकारों का कारण प्रदूषक तथा वे अनेक और विविध माध्यम हैं जिसके द्वारा वे परिवाहित तथा विकीर्ण होते हैं। पारितंत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है। ये गैस, तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं। जल प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के परिणाम स्वरूप पानी की मांग भी बढ़ी है जिसके कारण जल की गुणवत्ता काफी घट गई है। जब मनुष्य द्वारा जल से इसकी स्वयं शोधन क्षमता से अधिक मात्रा में विजातीय अवांछनीय तत्व डाल दिए जाते हैं तब जल प्रदूषित हो जाता है। यद्यपि जल के प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सड़न और विघटन आदि से भी प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, लेकिन मानव जन्य स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण गंभीर चिंता के कारण है। जल प्रदूषण के स्रोत हैं औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत, सांस्कृतिक स्रोत आदि। उद्योग उत्पादों के अलावा अपशिष्ट जैसे अवांछनीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये अवांछनीय उत्पाद हैं
औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित अपशिष्ट जल, विषैली गैसें, रासायनिक अवशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल धुआं आदि। अधिकतर औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित जल में बहा दिए जाते हैं, परिणामतः विषैले तत्व जल के भंडार, नदियों तथा अन्य जलाशयों में पहुंचकर इसके जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य उद्योग चमड़ा, लुगदी और कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योग हैं। प्रदूषित जल के नगरीय स्रोत ये हैं: मल जल, घरेलू तथा नगर पालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, मोटर वाहनों का धुआं आदि। कुछ उदाहरणों से नगरीय अपशिष्टों के नदियों में बहाव की विकरालता का अनुमान लगाया जा सकता है। कानपुर महानगरीय क्षेत्र में स्थित चमड़े के 150 कारखाने गंगा में प्रतिदिन 58 लाख लीटर अपशिष्ट जल बहाते हैं। दिल्ली के निकट यमुना तो एक गंदा नाला बनकर रह गई है। यमुना में 17 खुले गंदे नालों के द्वारा प्रतिदिन 32.3 करोड़ गैलन मल जल डाला जाता है। गंगा में प्रतिदिन गंदा और प्रदूषित जल डालने वाले गंदे नाले ही गंगा को अपवित्र करने वाले प्रमुख अपराधी हैं। गंगा की कुल लंबाई 2555 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई में से 600 किलोमीटर का भाग बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। औद्योगिक और नगरीय स्रोतों से जल प्रदूषण के उदाहरण के रूप में गंगा और यमुना के नाम लिए जा सकते हैं। अजैव उर्वरकों, पीड़ानाशकों और खरपतवार नाशकों में प्रयुक्त अनेक प्रकार के रसायनों से प्रदूषण फैलता है। ये रसायन बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चले जाते हैं। ये रिसकर जल में भी पहुंच जाते हैं। उर्वरक पृष्ठीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जल प्रदूषण होता है। भारत में पृष्ठीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित तथा मानव के उपभोग के अयोग्य हैं। संदूषित जल के कारण सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली बीमारियां ये हैं: अतिसार, रोहा, आंतों के कृमि, पीलिया आदि। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में 1/4 संक्रामक रोग जल से पैदा होते हैं। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण की समस्या। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचिका थी सुनीता चौहान। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।